PhoneFix Hyderabad, a professional mobile repair training center, and ISO 9001:2015. Hello friends, welcome to our YouTube channel PhoneFix Hyderabad. दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा और आपका रिश्ता बना रहेगा और हमारी हर वीडियो आप देखते रहेंगे, कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं होगा और आप बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। पिछले वीडियोस में बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक लेकर आते रहेंगे। और पिछले वीडियोस में हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स ने कमेंट किया है कि सर सीपीयू एमएमसी में कैसा कम्युनिकेशन होता है, कैसा कनेक्शन होता है, तो उसका एक छोटा सा झलक आज इस वीडियो में हम बताएंगे। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। इसमें हम आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना करके बताएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम ओपन है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेडमी 5A, ये लेआउट है और ये वाला इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। तो लेआउट में आप देखेंगे कौन सी आईसी कहाँ पे लग के है, कौन सा कंपोनेंट के ऊपर, हर चीज एक नाम लिखा होता है, रेजिस्टर है, कॉइल है, कैपेसिटर है, डायोड है या फिर क्रिस्टल हो गया आपका, सब कुछ वहां पे उसका एक नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएमसी का जो नंबर है U1801, इसकी एमएमसी का नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं U1801 मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है और ये हमारी एमएमसी है BGA221, 221 वाला BGA है। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर क्या क्या सप्लाई इसमें आती है, सीपीयू के साथ क्या कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है, आपको इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि एमएमसी में और सीपीयू में कैसे कनेक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक हल्की सी झलक है जो कि आपको क्लास में आपको पूरा का पूरा पिक्चर देखने मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा एक ट्रेलर ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब पे सारी चीजें शो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कॉपी करने वाले बहुत मार्केट में है। तो हमारा जो डाटा है, हमारा जो सालों का एक्सपीरियंस है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो हैंड स्किल का जो टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, वो सिर्फ मिलेगा PhoneFix हैदराबाद के स्टूडेंट को ही। जो बच्चे जाकर के इतना अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमारे पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब भी किसी भी वीडियो के नीचे वो कमेंट करते हैं तो हमें देखकर बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है। और हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप देखेंगे डेली जो पोस्ट हम लोग डालते हैं वो सारे हमारे स्टूडेंट्स के ही होते हैं। हम कोई मोबाइल रिपेयर करते हैं तो उसका पोस्ट बिल्कुल भी नहीं डालते, बहुत कम बार आप देखेंगे, लेकिन हर रोज में जितने भी पोस्ट डालता हूं हमारे ग्रुप्स में इतने बच्चे एक्टिव रहते हैं, हर रोज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हर रोज एक दूसरे से बात होती है, जितने स्टूडेंट हैं सबके साथ कम्युनिकेट होता है। जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। आप ग्रुप में मैसेज डालते रहते हैं हमारे बच्चे, तो ये हमारा आपस में जो रिलेशनशिप है ये बना रहता है ग्रुप्स के थ्रू। अगर आप काम नहीं करेंगे, आप ग्रुप्स को फॉलो नहीं करेंगे, ग्रुप्स में रहेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आपका हमारा रिश्ता ऐसे टूट जाएगा। तो काम करते रहना, अगर काम नहीं भी कर रहे हैं, दूसरा बंदा कुछ प्रॉब्लम डाला है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि ये लाइन को क्या बोलते हैं, कैसे सर्च करना क्या है, ये तो सारे हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते ही रहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जो बच्चे हमारे पास आने वाले हैं, जो बच्चे बुक करा रहे हैं आने वाले बैचेस में, उनके लिए बता रहा हूं। ऐसा कम्युनिकेशन होता है हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में, तब जाकर आप अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट बैच जो है हमारा 27 मई से है, जिसमें बहुत लिमिटेड सीटें हैं, आज ही बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम सीटें होती हैं और हम लोग ज्यादा बच्चों को नहीं ले रहे हैं, 20-22 बच्चों को यहाँ पे लेंगे, ज्यादा बच्चों को लेते भी नहीं है। तो जल्दी से सीट अपनी कन्फर्म कर लीजिए और अपना टिकट बुक करा लीजिए और आ जाइए अपने आप को एक प्रोफेशनल टेक्निशियन बनाने के लिए, जुड़ जाइए PhoneFix हैदराबाद टीम के साथ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सीपीयू मैंने यहाँ पे बनाया और एमएमसी यहाँ पे मैंने बनाया है और ये इसका बैटरी कनेक्टर है जैसे आप देख सकते हैं। और बैटरी जैसे आप लगाते हो तो यहाँ से एक वोल्टेज इन होता है जिसे हम वी बैट कहते हैं। वी बैट के वोल्टेज जो होते हैं आपके जितने बैटरी में आपके चार्ज है, 4 वोल्ट है या 3.6 है, 3.7 है, वो DC to DC चार्जिंग AC को दिया जाता है और यहीं से वो वोल्टेजेस यहां से आउट होते हैं और इस DC to DC से जब ये आउट होते हैं तो हम उसे VPH लाइन बोलते हैं, वोल्टेज फॉर पावर। ये यहां से वोल्टेज निकलते हैं और पावर AC को जाते हैं
और यहीं से DC to DC के आउट होते हैं, तो इसके बाद ये बहुत सारे सेक्शंस में जाते हैं और वो वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है VPH लाइन के बारे में, कहां कहां पे वोल्टेज जाते हैं, कितने जनरेट होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ उसके ऊपर वीडियो बनाया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं VPH लाइन का, वो भी वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये लाइन क्या काम करती है। जैसे ये पावर AC को जाती है फ्रेंड्स लाइन, इसके बाद जब आप पावर की प्रेस करते हो, ट्रिगर करते हो, तो वहां से पावर AC से बहुत सारे सप्लाई जनरेट होते हैं, जिसे हम बक लाइन भी बोलते हैं, जिसे हम कोर लाइंस बोलते हैं, जो कि CPU को वर्क कराने के लिए होती है। इसके अलावा लोअर LDO, हायर LDO होती है। इसके अलावा रैम के लिए वोल्टेजेस जनरेट होते हैं। इसके अलावा आपका VIO वोल्टेज, जो कि वोल्टेज इनपुट आउटपुट होता है, जो कि काफी सारे सेक्शंस में जाता है CPU से कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा I2C लाइन में वोल्टेजेस आते हैं, आपके पावर की पे वोल्टेजेस आते हैं, ईडियल पॉइंट पे आपके वोल्टेजेस आते हैं, EMMC के लिए वोल्टेजेस आते हैं, जिसे VCC VCCQ कहते हैं, तो सारे वोल्टेजेस जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसको VPH मिलने चाहिए, और यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको सिर्फ EMMC के बारे में आज बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये बक कॉइल्स होते हैं जो कि पावर AC के पास में होते हैं, जिसका कम्युनिकेशन CPU के साथ होता है। तो यहाँ पे एक पावर सीक्वेंस होती है जो कि हम आपको क्लास में सिखाएंगे, ये कौन सी सप्लाई कब जनरेट होती है, S1, S2, S3, S4, S5 की सप्लाई होती है। इसके अलावा लोअर LDO, हायर LDO की सप्लाई होती है। इसके अलावा बहुत सारी MSM मॉडेम के लिए सप्लाई जनरेट होती है, LPDDR RAM के लिए सप्लाई जनरेट होती है, EMMC ROM के लिए सप्लाई जनरेट होती है, Wi-Fi के लिए, नेटवर्क के लिए, कैमरे के लिए, ऑडियो के लिए, रिंगर, माइक, स्पीकर, तकरीबन सेक्शंस में यहां से पावर AC के LDO सप्लाई आउट होती है। वो आपको क्लास में बताएंगे 25 LDO, 23 LDO, कितने LDO आपके पावर AC में से आउट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जब CPU, आप देख सकते हैं CPU मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं, क्योंकि CPU सारे सेक्शन के साथ कनेक्टेड होता है, बेसबैंड के लिए, नेटवर्क के लिए, या टच सप्लाई के लिए, या DMDP की सप्लाई के लिए। CPU भी बहुत सारे, हर एक सेक्शन के साथ CPU का कनेक्शन होता है। तो राइट साइड में आप ज्यादातर देखेंगे आप रैम और रोम का सेक्शन होता है, जिसे हम फेमस हम EMMC के नाम से जानते हैं, जो कि EMMC को वर्क कराने के लिए। तो EMMC को एक्चुअल में एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज बोलते हैं, या EMCP है तो मल्टीमीडिया चिप पैकेज बोलते हैं, EMMC है तो एम्बेडेड मल्टीमीडिया बोलते हैं उसे। और इसके अलावा अभी UFS भी आ रहा है, यूनिवर्सल फ्लैशिंग स्टोरेज, जो कि लेटेस्ट सेटअप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं EMMC के अंदर मैंने 2 सेक्शंस बनाए हैं, एक हो गया रैम के लिए और दूसरा है हमारे रोम के लिए, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है, जिसमें फ्लैश फाइल वगैरह स्टोर होती है। तो रैम जो होता है फ्रेंड्स, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहा जाता है, और रोम जो होता है फ्रेंड्स, इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आप फ्लैशिंग करते हैं या फिर जब मोबाइल को ऑन करते हैं, तो जो हमारी सिस्टम फाइल होती है, फ्लैश फाइल होती है, वो रैम पे लोड होती है। उसके बाद आपका बूट सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप काम करता है, और आपका डिस्प्ले पे लोगो वगैरह जो भी आपका शो करना है वो फाइनली शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइनें होती हैं CPU के अंदर रैम से इस तरफ EMMC के अंदर रैम तक की, इसे EBIO कहते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल बस इनपुट आउटपुट कहते हैं। इसके अलावा रोम में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे सप्लाई CPU से EMMC की तरफ जाती हैं। जब हम UFI से या फिर इजी अटैक से अनलॉकिंग करते हैं, तो हम यही वाली सप्लाई को यूज करते हैं, क्लॉक, डाटा, कमांड, रीसेट और ग्राउंड की पिन, ये वाली सप्लाया हम यहाँ पे आप अनलॉकिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं ISP के थ्रू, जिसे हम इन सिस्टम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ISP के थ्रू करते हैं या अडेप्टर के थ्रू करते हैं। तो यही वाली सारी लाइनें से हम कनेक्ट करते हैं, EMMC के अंदर हम जाते हैं, वहां से प्रोग्रामिंग करते हैं, अनलॉकिंग वगैरह करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं रैम के लिए जो वोल्टेज जनरेट होते हैं 0.6 और 1.2 के, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1.8 एक वोल्टेज जनरेट होता है। इसके अलावा यहाँ पे EMMC के लिए आप देख सकते हैं VCC का जो वोल्टेज फ्रेंड्स 1.8 आप देख सकते हैं, 1.8 टू 2.8, और VCCQ का वोल्टेज 2.2 टू 3.3 तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें काफी सारे पिने होती हैं, रीसेट वगैरह की, क्लॉक की, डाटा की 0-7 पिने होती है डाटा की, जो कि आपको हम क्लास में एक एक चीज आपको बताएंगे। चलिए यहाँ बढ़ता हूं मैं आपको डायग्राम की ओर। U18 यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, जो कि हमारी एक EMMC है, और EMMC में आप देखें तो सेक्शन देखेंगे, यहाँ पे एक पावर सेक्शन है, और यहाँ नीचे देखेंगे आप EMMC का सेक्शन है, और यहाँ पे आप देखेंगे LPDDR3। अब देख सकते हैं DDR3 यहाँ पे लगा हुआ है, जिसे हम VGA 221 कहते हैं,
अभी लेटेस्ट में DDR4 भी आ रहा है, BJ254 के अंदर आपको DDR4 देखने को मिलेगा। तो ये DDR3 यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये रैम की सप्लाई जितनी होती है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं EBIO एक्सटर्नल बस इनपुट आउटपुट की जो सप्लाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी सारी सप्लाई जो कि CPU के साथ कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे दो रजिस्टर ग्राउंड किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं VSS जिसे हम ग्राउंड ही पिन होती है सारी, ये देख सकते हैं। इसके अलावा एक SDC1R क्लॉक करके एक सप्लाई है जो कि सीधा CPU के साथ कनेक्टेड होती है। ये क्लॉक की सप्लाई मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका ये रैम काम नहीं करेगा। इसके अलावा एक रजिस्टर NFA नॉट फिटेड है। उसके अलावा ये सारे पिन डू नॉट यूज है, कोई कनेक्शन नहीं है इसका NC पिन से। इसके अलावा फ्रेंड्स रैम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो रजिस्टर के थ्रू, दो कैप के थ्रू एक NC कैप है। VRF की सप्लाई जो है वोल्टेज रेफरेंस की सप्लाई जो कि LPDDR3 के लिए होती है, ये होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे EBIO के एक्सटर्नल बस इनपुट आउटपुट की और बहुत सारी लाइनें यहाँ पे है। इसके अलावा क्लॉक की लाइनें यहाँ पे है, आप देख सकते हैं क्लॉक इनेबल की लाइनें यहाँ पे है। सारी ये सारी लाइनें होना चाहिए, अदरवाइज आपका रैम काम नहीं करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर MMC के अंदर आप देखेंगे तो VCC VCCQ जो कि मैंने आपको यहां भी बताया है, VCC VCCQ ये वोल्टेजेस होते हैं। इसके अलावा क्लॉक रिसेट कमांड जो कि मैंने आपको यहां भी बताया है, क्लॉक रिसेट कमांड डाटा जीरो, यही चीज यहां में बता रहा है, देख सकते हैं आप डाटा जीरो से लेकर डाटा सेवन, टोटल 8 पिन है यहाँ पे आपके एक्सटर्नल बस के लिए काम करती है जो कि CPU और MMC के बीच में होती है, जो फ्लैशिंग वगैरह आप करते हैं या ISP के थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसी के थ्रू हम कनेक्टेड करते हैं। तो ISP में तो हम डाटा जीरो का यूज करते हैं, लेकिन जब आप IC लगा देते हैं बोर्ड में तो जो आपका फास्ट काम करता है हैंडसेट वो, क्योंकि इसमें 8 लाइनें होती हैं डाटा ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कमांड का जो लाइन होता है उसके अंदर आपको एक 10K का रजिस्टर मिलेगा जो कि 1.8 का पुल अप रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे 1.8 के वोल्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड VCC में आप देखेंगे तो 2.9, VCCQ में अगर देखेंगे ये देख सकते हैं VCCQ की लाइन यहाँ पे आ रही है जहां पे 1.8 के वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया MMC का सेक्शन और ये हो गया रैम का सेक्शन। चलिए पावर सेक्शन में देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से अगर आप देखें तो VRAC NDO5 पावर AC से ये सप्लाई आती है जो कि 1.8 की सप्लाई होती है, जो कि आपके इस रैम के लिए सबसे पहले सप्लाई चाहिए। LPDDR3 में एक और वोल्टेज चाहिए जिसको हम 1.2 कहते हैं, जो कि VRAC L2 LDO2 से जनरेट होकर आती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 जो कि लोअर LDO आप बोल सकते हैं इसे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं VRAC L2 से ये भी सेम सप्लाई हुई है जो कि 1.2 की सप्लाई आती है। तो ये सारा आपके अलावा, इसके अलावा एक और यहाँ पे भी है फ्रेंड्स LDO 2 से 1.2 की सप्लाई इतने सारे पिनों को आती है। तो ये एक हमारा MMC का आपका सेक्शन था जिसमें आप माइक्रोन SK हाइनिक्स और सैमसंग में आप देख सकते हैं इस तरह के थोड़े से चेंजेस होते हैं। तो ये हमने एक आपको बताया है ब्लॉक डायग्राम बना के, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पावर IC है, चार्जिंग IC आपको बी साइड में मिलेगा, ये इसका CPU है, ये MMC है, और इसकी चार्जिंग AC की बात करें तो यहाँ पे लग के है 0501 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4G और 3G के लिए है। यहाँ पे रिंगर PA है, ये नीचे का सब PCB बोर्ड टू बोर्ड FPC कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर, ये डिस्प्ले लाइट के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया गया है, और टच के लिए फ्रेंड्स इसके लिए में यहाँ पे एक टच का कनेक्टर दिया गया है। ये कैमरे के लिए है बैक कैमरा, यहाँ पे आपकी पावर की सप्लाई, यहाँ पे आपका ग्राफिक लाइट, और यहाँ पे बैकलाइट के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इसका फ्यूल गेज ऐसी होता है, और यहाँ पे इसका RFIC नेटवर्क के लिए, यहाँ पे इसका वाईफाई वगैरह के लिए यहाँ पे एक IC देख दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको कोशिश की है वीडियो में समझाने की कि कैसे एक CPU MMC के बीच में कनेक्शन होता है, क्या क्या लाइनें होती है, क्या क्या चेक करना होता है, ये सब कुछ आपको मैं क्लास में सिखाऊंगा कि CPU और MMC में कैसे कनेक्शन होते हैं, कितना वोल्टेजेस आना चाहिए, बक लाइन क्या है, LDO लाइन्स क्या है, क्लॉक की सप्लाई क्या होती है, I2C लाइन क्या है, SPI क्या है, VPH क्या है, VBAT क्या है, VBUS क्या है, DMDP की सप्लाई क्या है, बैटरी थर्मल बैटरी ID लाइन क्या होती है, OTG के लिए जो हमारी पिन होती है वो क्या है, Type-C में क्या ऐसा यूज किया गया है, फास्ट चार्जिंग में क्या यूज किया है, ये सब कुछ आपको डिटेल में क्लास में सिखाया जाता है जो कि हमारा नेक्स्ट बैच जो है 27th में से है। आज ही कॉल करिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए। दोस्तों इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में लेकर आता रहूंगा, नीचे कमेंट्स में जाइए, नीचे जाइए हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देखिए, बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं
पावर एसी के ऊपर, चार्जिंग एसी के ऊपर, सीपीयू के ऊपर, एमएमसी के ऊपर, बहुत सारे हैंड स्किल का काम हमने दिखाया है। बच्चे जाकर के बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं जब उनको अच्छे से समझ में आ जाती है सारी चीजें। दोस्तों हमारे यहाँ पे 20 दिन का कोर्स होता है, रहने के लिए रूम बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री होता है, डेली 10 आवर्स क्लास है, एक्स्ट्रा जो एनवायरमेंट है आपको पूरा इंटरनेशनल एनवायरमेंट है, पूरे टूल्स जितने भी दिए जाएंगे ब्रांडेड टूल्स आपको वर्क करने के लिए दिए जाएंगे, 8 घंटा हैंड स्किल का काम प्रैक्टिस कराते हैं, फुल्ली प्रैक्टिस कराते हैं, 2 से 3 घंटा इस तरह का सर्किट का डायग्राम की नॉलेज आपको देते हैं ताकि जाकर के आप अच्छे लेवल पे काम कर सके। आपके मार्केट में फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से अपडेट हो जाएंगे तो जो काम वापस जा रहा है जो दूसरे दुकानदार को दे रहे हैं वो आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो आज ही ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद। और फ्रेंड्स एक और बात आपको बता दूं, अगर आपके पास सर्किट डायग्राम नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे बहुत सारे YouTube पर चैनल्स पे ऐसा बताया जाएगा, विदाउट डायग्राम सर्च करेंगे, विदाउट किसी स्केमेटिक के हम लाइन सर्च करेंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो बेसिक जो कॉमन लाइन है वो तो आप सर्च कर लेंगे, लेकिन इंटरनल सर्किट को सीखने के लिए सर्किट डायग्राम का यूज करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स विदाउट डायग्राम आप काम नहीं कर सकते, विदाउट नॉलेज आप काम नहीं कर सकते, विदाउट आपके हैंड स्किल के एक्सपीरियंस के आप काम नहीं कर सकते। तो आज ही ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, नेक्स्ट बैच 27 से है, अपनी सीट बुक करा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।